नमस्कार दोस्तों, बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह OFC ऑप्टिकल फाइबर का यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। वो टॉपिक इस प्रकार हैं, कंस्ट्रक्शन डिटेल, स्ट्रेंथ मेंबर, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ OFC, मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंसेप्ट ऑफ जैकेटिंग, टाइप ऑफ जैकेट एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और फाइबर लॉसेस। शुरू करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन डिटेल में क्या है इसका। फिजिकली एन ऑप्टिकल फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स विच आर कोर एंड क्लैडिंग। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर दैट कैरी लाइट आर कॉल्ड कोर। जो हमारा सिग्नल ले जाता है, लाइट में ट्रैवल हो, सिग्नल जो है इसमें लाइट के रूप में ट्रैवल होता है, तो इसको हम कोर कहते हैं। कोर सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड क्लैडिंग। कोर को जो चारों तरफ जो लेयर होती है, इसमें आपको चित्र में दिखाया गया है, सबसे फर्स्ट लेयर कोर है, उसके बाद में एक क्लैडिंग, इसको हम क्लैडिंग कहते हैं। उसके ऊपर दूसरी लेयर कोटिंग होती है, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ मेंबर और फिर आउटर जैकेट होती है। इस प्रकार बफर जैकेट क्या होता है। जैकेट प्रिवेंट द फाइबर सरफेस फ्रॉम बीइंग एब्रेडेड एंड आल्सो कुशन द फाइबर फ्रॉम मैकेनिकल फोर्सेस एंड माइक्रो बेंडिंग लॉसेस। यह क्या हमारे इसको स्क्रैचेस वगैरह होने से बचाता है, और आल्सो क्या है, यह कुशन द फाइबर फ्रॉम द मैकेनिकल फोर्सेस, जो इसके मैकेनिकल फोर्सेस का दबाव पड़ता है उससे हमको यह बचाव करता है, और माइक्रो बॉन्डिंग से जो लॉसेस होते हैं उन सब से हमको ये बचाव करता है। इसी को बफर जैकेट कहते हैं। आउटर जैकेट एक लेयर होती है इसमें, वो क्या होती है। आउटर प्लास्टिक जैकेट इज ए मटेरियल सच एज पॉलीथीन विच कैन विथस्टैंड टेम्परेचर एक्सट्रीम, जो क्या है एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी विथस्टैंड सहन कर सकता है, एंड इंटेंस सनलाइट, और जो सूर्य की जो तेज सनलाइट है उसको भी सहन कर सकता है। द केबल इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिज़ाइन टू कीप मॉइस्चर आउट, और जो केबल का जो स्ट्रक्चर जो है उससे मॉइस्चर से भी बचाता है। स्ट्रेंथ मेंबर क्या है। स्ट्रेंथ मेंबर कॉमनली नॉन एच स्लॉटेड कोर। स्ट्रेंथ मेंबर का एक खांचेदार कोर जैसे वो बना होता है, इसको स्लॉटेड कोर कहते हैं। द फिपर फ्यूचर इंक्लूड ए हाई स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी, जो इसका मेन पसंदीदा फीचर्स क्या है, इनकलूड हाई स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी। ये क्या है, तनाव भी सहन कर सकता है, हाई स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी है, फ्लैक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, लो वेट पर यूनिट, बहुत कम वेट होता है। द रिक्वायरमेंट फॉर द एडिशनल टेंसिल, दूसरा क्या है जो टेंसिल तनंशील, दूसरा जो इसका रिक्वायरमेंट क्या है तनंशील तनाव के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ मेंबर मस्ट बी कंसीडर्ड विद इन द केबल डिजाइन, जो इसका केबल डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है। OFC इज रैप्ड अराउंड ए हाई टेंसिल स्ट्रेंथ मेंबर। OFC के चारों ओर क्या है, यह स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ मेंबर होता है तनंशील स्ट्रेंथ में जो है चारों तरफ इसकी लिपटा हुआ होता है। सच एज किसका हो सकता है, स्टैंडर्ड स्टील हो सकती है, केवलर हो सकता है, फिर लाइलॉन का भी हो सकता है। कंसेप्ट ऑफ जैकेट क्या है। जैकेटिंग क्या है। जैकेटिंग इज टू प्रोटेक्ट द फाइबर फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, से यह बचाता है हमारे को OFC को। देयर आर टू अप्रोचेज इन जैकेटिंग, के दो प्रकार, टाइट जैकेटिंग और लूज जैकेटिंग। टाइट जैकेटिंग क्या होती है, टाइट जैकेटिंग के बारे में देखेंगे। टाइट जैकेटिंग ए मटेरियल टाइट सराउंडिंग ए फाइबर इन ए केबल, जो कोर के चारों तरफ क्या है एक मटेरियल भर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होल्डिंग इट रिजिडिटी एट ए प्लेस, जिसके कारण क्या है इसको एक जगह पर होल्ड करके रखता है। लूज जैकेटिंग क्या है, प्रोटेक्टिव ट्यूब लूजली सराउंडिंग ए केबल्ड फाइबर, केबल फाइबर के जो चारों तरफ क्या है कोर और क्लैडिंग के जो बीच है जो काफ़ी उसमें लूज होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टाइट जैकेटिंग।
टाइड एक्टिंग के एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज टाइट जैकेटिंग परमिट सफिशियंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑन द फाइबर, जो स्ट्रेस है जो उसका टाइट जैकेटिंग को फाइबर के ऊपर भी पड़ता है। टाइट जैकेटिंग डज नॉट परमिट द वाटर कम इनटू द फाइबर कॉन्टैक्ट थ्रू आउट द लेंथ, पूरी केबल में इसके कारण पानी जाने की संभावना नहीं है, पानी जा ही नहीं सकता इसे। डिसएडवांटेज क्या है? टाइट जैकेटिंग परमिट द मैकेनिज्म स्ट्रेंथ टू बी ट्रांसफर टू द फाइबर, जो मैकेनिज्म स्ट्रेस लग रहा है वो क्या है फाइबर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइट मटेरियल भरा है तो क्या है जो दबाव ऊपर पड़ेगा तो वो फाइबर के ऊपर भी पड़ेगा। देयर इज ए चेंज ऑफ जैकेट मटेरियल इंटरेक्टिंग विद द फाइबर, जैकेट मटेरियल है वो फाइबर मटेरियल पर भी उसको एक दूसरे को प्रभावित करता है, उसके साथ ही प्रेफर करता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लूज जैकेटिंग, लूज जैकेटिंग के क्या एडवांटेज हैं? टू सम एक्सटेंड द मैकेनिकल स्ट्रेस डू नॉट गेट ट्रांसमिट टू द फाइबर, भाई इसके बीच में जो गैप होता है जिसके क्लैडिंग पर जो मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है वो कोर पर उसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता है। मल्टीपल फाइबर कैन रन थ्रू द सेम ट्यूब, एक ही ट्यूब में बहुत सारे फाइबर रन कर सकते हैं। क्लैडिंग इंक्लूड लॉसेस आर मिनिमाइज, क्लैडिंग के जो लॉसेस होते हैं वो क्या कम हो जाते हैं, क्लैडिंग से जो लॉसेस आते हैं। लूज जैकेटिंग केबल ऑफर बेटर टेम्परेचर स्टेबिलिटी, और इसमें बेटर टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी होती है। डिसएडवांटेज हैं इसकी, नीड फॉर केयरफुल हैंडलिंग, स्प्लाइसिंग में इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की, सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। ग्रेटर डिफिकल्टी टू लोकेटिंग ब्रोकर द फाइबर केबल डैमेज, अगर केबल डैमेज हो जाए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है उसको पता करने में कहाँ पर केबल कटा हुआ है। इन केस वाटर प्रोटेक्शन फेलियर, और इसमें वाटर प्रोटेक्शन भी फेलियर रहता है। लूज जैकेटिंग डू नॉट पुट द वाटर इंटायर द केबल, और पूरे केबल्स में इसमें वाटर प्रोटेक्शन बहुत मुश्किल होता है। मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है? मोस्ट आर मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और प्लास्टिक क्लैड ग्लास के बनाए जाते हैं। सम स्पेशल फाइबर आर मेड ऑफ अदर्स मटेरियल्स के भी बनाए जाते हैं, जैसे एक्सोटिक फ्लोराइड, फ्लोरीन के कुछ मटेरियल्स का मिश्रण के फ्लोरीन गैस के एक्सोटिक कंपाउंड्स के उसके साथ बनाए जाते हैं। स्टैंडर्ड फाइबर फ्लैक्सिबल बट समवॉट स्ट्रेच, स्टैंडर्ड फाइबर होती है अधिकतर तो फ्लैक्सिबल होती है लेकिन कहीं कहीं बट समवॉट स्ट्रेच कठोर भी होती है। फ्लैक्सिबिलिटी डिपेंड अपॉन द फाइबर डायमीटर, फाइबर के डायमीटर के ऊपर उसकी फ्लैक्सिबिलिटी जो है डिपेंड्स करती है। अभी आ जाते हैं लॉसेस, ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेस जो होते हैं वो किस किस कारण से हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स हैं इसके? द वेरियस लॉसेस इन द ऑप्टिकल फाइबर आर ड्यू टू आइदर इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कुछ इंस्ट्रिंसिक भी फैक्टर हो सकते हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। इंस्ट्रिंसिक फैक्टर क्या है? इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ द प्रोपोगेटिंग लाइट वेव विथ वन मोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ग्लास that constitute the fiber material compositions. Absorption is in the propagation of light के ऊपर जो होते हैं, propagation of जो light है उसके, उसमें क्या है जो materials का जो constitution किया जाता है उसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा glass के जैसे components mix किए जाते हैं तो उसके ऊपर ये instruction losses होते हैं। इसमें तीन तरह के absorption losses, dispersion losses और scattering losses हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सट्रिंसिक लॉसेस, देर आर सम अदर टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर दैट आर लिंक लॉस, सच एज स्प्लाइसिंग, पैच कनेक्शंस, बेंडिंग, जॉइनिंग ऑफ टू ऑप्टिकल फाइबर एंड टू एंड, दो ऑप्टिकल फाइबर को हम ज्वाइन करते हैं तो एम ऑफ स्प्लाइसिंग मैक्सिमम लाइट पासिंग थ्रू द कोर मटेरियल्स, तो हमारा एम क्या है स्प्लाइसिंग का, एम है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है जो कोर मटेरियल के थ्रू ट्रांसफ़र हो सके। बट देयर इज नो मटेरियल्स फॉर स्प्लाइसिंग टू अवॉइड द लॉसेस, बट ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसके कारण क्या है अवॉइड लॉसेस को रोक सके। स्प्लाइसिंग लॉसेस इज इनएविटेबल, स्प्लाइसिंग लॉसेस हैं जो क्या है वो तो अनिवार्य है, होना ही है भाई, स्प्लाइसिंग होगा तो लॉसेस जरूर होंगे।
फजन स्प्लाइसिंग लॉसेस ऑफ द मल्टी मोड फाइबर्स आर 0.1 डीवी से लेके 0.5 डीवी पर स्प्लाइस होते हैं एंड और 0.3 डीवी बीइंग ए गुड एवरेज वैल्यू, 0.3 वैल्यू तक आती है तो हमारी क्या ठीक अच्छा वैल्यू। कनेक्टर लॉसेस और इंसर्शन लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर्स, मल्टी मोड कनेक्टर विल हैव द लॉसेस 0.2 से 0.5 डीवी तक एंड सिंगल मोड जो कनेक्टर होते हैं लॉसेस 0.1 से 0.2 डीवी तक होता है। ऑप्टिकल फाइबर लॉसेस डायग्राम इस प्रकार से है। ऑप्टिकल फाइबर लॉसेस में मटेरियल एब्जॉर्प्शन लॉसेस है, स्कैटरिंग लॉसेस है, डिस्पर्सन लॉसेस है और बेंडिंग लॉसेस है। स्कैटरिंग लॉसेस को दो भागों में बांटा गया, फिर लीनियर स्कैटरिंग लॉसेस और नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉसेस, और डिस्पर्सन लॉसेस को इंट्रा मॉडल डिस्पर्सन और इंटर मॉडल डिस्पर्सन, बेंडिंग लॉसेस को माइक्रो बेंडिंग और मैक्रो बेंडिंग, और माइक्रो बेंडिंग दो प्रकार की होती है, बिलियन स्कैटरिंग लॉसेस और रेमन स्कैटरिंग लॉसेस। आइए एक एक करके हम समझते हैं इनको। सबसे पहले मटेरियल एब्जॉर्प्शन लॉस क्या है। ड्यूरिंग द प्रोपोजिशन ऑफ लाइट थ्रू द फाइबर सम ऑफ द ऑप्टिकल पावर गेट ऑब्जर्व्ड, जब ट्रेवल करती है तो क्या होता है, सम पावर्स जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय द मटेरियल्स के द्वारा ऑफ फाइबर के जो मटेरियल कोर मटेरियल है उसके द्वारा क्या है कुछ पावर्स इसकी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसी को हम मटेरियल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस इन द मिनट क्वांटिटी ऑफ मेटेलिक आयंस, इनके कुछ मेटेलिक आयन की प्रेजेंट के कारण, प्रेजेंस जो होते हैं उनके कारण ये सब कुछ होता है, जैसे फ्यूरिक कॉपर क्रोमियम एंड ओएच आयंस फ्रॉम वाटर डिसॉल्व इन द ग्लास, वाटर है डिसॉल्व हो जाता है इन द ग्लास। एक चार्ट दिया है, इम्प्योरिटी आयंस हैं, इम्प्योरिटी आयंस जो हमारे दिए गए हैं, लॉस ड्यू टू 1 ppm ऑफ इम्प्योरिटी क्या लॉसेस हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन पीक वेवलेंथ क्या है। Fe2 का जो हमारा है इसमें Fe2 जो 0.68 लॉसेस आ रहा है और इसमें वेवलेंथ 1.1 है, Cu2 इसमें 0.15 और वेवलेंथ 0.04, Cr3 1.6 आ रहा है लॉसेस और वेवलेंथ है इसमें 0.625 और OH आयन जो है 1 लॉसेस आ रहा है और वेवलेंथ है 0.95। डिस्पर्सन लॉसेस एज लाइट स्ट्रीम ट्रेवल डिस्टेंस इट बिकम्स वाइड एंड इंटेंसिटी बिकम लो। लाइट स्ट्रीम ट्रेवल डिस्टेंस करती है भाई, ज़्यादा दूर तक करती है तो इसके कारण क्या होता है ये वाइड हो जाती है और इंटेंसिटी बिकम लो, और इसके कारण इंटेंसिटी इसकी लो हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसी को लाइट का डिस्पर्सन कहते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द लाइट इंफॉर्मेशन सिग्नल बिकम वीक एंड गेट ओवरलैप टू नियर बाई सिग्नल, इसी प्रॉपर्टी के कारण जो सिग्नल होते हैं वीक हो जाते हैं और दूसरे सिग्नल के ऊपर ओवरलैप भी हो जाते हैं। काजेस इसके कारण क्या होगा, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा और नॉन एज डिस्पर्सन लॉसेस कहते हैं। टू अवॉइड दिस लॉसेस रिपीटर्स आर प्लेस एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर हमारे रिपीटर लगाए जाते हैं। यह दो प्रकार से होता है, एक इंटर मॉडल डिस्पर्सन होता है, एक इंट्रा मॉडल डिस्पर्सन होता है। तो इंटर मॉडल में क्या होता है, इट इज द पल्स ब्रॉडनिंग ड्यू टू द प्रोपोगेशन डिले डिफरेंसेस बिटवीन द मोड्स इन मल्टी मोड फाइबर। और इंट्रा मॉडल में क्या होगा, इट इज द पल्स स्प्रेडिंग इन सिंगल मोड फाइबर बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट वेरी विथ वेवलेंथ। स्कैटरिंग लॉस आपने अभी, स्कैटरिंग लॉस अकर व्हेन ए वेव इंटरैक्ट विथ ए पार्टिकल इन ए वे दैट
रिमूव्स एनर्जी, जब कोई पार्टिकल से टकराएगी तो वही तो अपने एनर्जी को कुछ लूज करेगी या रिमूव्स करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव्स, ट्रांसफर इट टू द अनदर डायरेक्शन, और इसका क्या है उसके कारण डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। देयर टू टाइप ऑफ स्कैटरिंग होती है, नंबर एक है लीनियर स्कैटरिंग लॉस। लीनियर स्कैटरिंग लॉसेस में क्या होता है, दिस इज ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है। स्कैटरिंग लॉस से इज दिस ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इम्प्योरिटी पार्टिकल्स, जो हमारी जो बनाई गई है उसमें क्या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इम्प्योरिटी, कितना भी कोई भी कंपनी है बेटर से बेटर बनाने, लेकिन कुछ जगह पर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। When ray passes through such regions, the incident angle value change. जब ऐसी जगह पे जो लाइट हमारी लाइट रेस जो ट्रेवल करती है तो क्या हो उस जगह पे इंसिडेंट एंगल की वैल्यू चेंज हो जाती है। इफ इंसिडेंट एंगल बिकम लेस देन द क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से कम हो जाती है, कम हो जाता है तो लॉस ऑफ पावर विल टेक प्लेस, तो इस जगह पर लॉस पावर लॉस हो जाता है। नॉन लीनियर स्कैटरिंग में क्या होगा, नॉन लीनियर स्कैटरिंग दो प्रकार की होती है, ब्रिलियन स्कैटरिंग लॉस और रैमन स्कैटरिंग लॉस। ब्रिलियन स्कैटरिंग लॉस में पढ़ेंगे, व्हेन द लाइट रे प्रोपोगेट थ्रू कोर मीडिया द फोटोन ऑफ लाइट प्रोड्यूस ए सेम प्रोड्यूस द फोटोन ऑफ सेम एनर्जी, जो फोटॉन्स पैकेट ऑफ एनर्जी ट्रैवल कर रही है वो अपने जैसी दोबारा फोटॉन्स सेम एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी ऑफ ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी, ऑप्टिकल की जो फ्रिक्वेंसी उसे ऑफ ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी की नॉन एज ऑप्टिकल फोनन, इसी को हम ऑप्टिकल फोनन कहते हैं। द ऑप्टिकल फोनन विल कॉज शिफ्ट इन द फ्रिक्वेंसी, ऑप्टिकल फोनन इस कारण से क्या शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट इन द फ्रिक्वेंसी में, इसी को हम ब्रिलियन स्कैटरिंग लॉस कहते हैं। रैमन स्कैटरिंग, स्कैटरिंग इज ड्यू टू ए फोटोन ऑफ साउंड एनर्जी अकॉस्टिक फोनन, दिस इज नॉन एज रैमन रैमन स्कैटरिंग लॉस कहते हैं। बेंडिंग लॉस क्या है, बेंडिंग लॉस दो प्रकार का होता है, एक हमारा माइक्रो बेंडिंग लॉस है, दूसरा मैक्रो। माइक्रो में हम पढ़ते हैं पहले, सम माइक्रो लेवल्स बैंड्स मे अकर ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन ऑफ द फाइबर्स और ड्यूरिंग ले डाउन ऑफ केबल, जब बनाते हैं केबल को उस समय भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर हम ले डाउन करते हैं केबल को तब उस समय भी ऐसे कुछ बैंड्स हो सकते हैं, केबल बैंड हो जाना या फिर बनाते समय भी कुछ थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो जाना। व्हेन द ऑप्टिकल रे फॉल ऑन सच बैंड्स, जब ऑप्टिकल रेज जो हमारी ऐसी इंसिडेंट इन बैंड्स के ऊपर पड़ती हैं तो इंसिडेंट एंगल वैल्यू चेंज हो जाती है। इफ़ इट इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल द लॉस ऑफ पावर टेक प्लेस नॉन एच माइक्रो बेंडिंग लॉस, तो इसको हम माइक्रो बेंडिंग, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया कि ये पड़ी तो इसमें क्या क्या है इसका अपना ये वैल्यू ज़्यादा होने के कारण इसका क्या लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है, लॉसेस हो जाने के इसी को हम माइक्रो बेंडिंग लॉस कहते हैं। अभी मैक्रो बेंडिंग लॉस क्या है, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल चेंज एट बैंड, जो हमारी केबल बिछाते बिछाते क्या कोई मुड़ाव आ गया या कहीं पर हम केबल को मोड़ना है तो क्या होगा बैंड करना पड़ेगा भाई। द स्मॉलर द रेडियस ऑफ द कर्व ग्रेटर द लॉस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रेडियस जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा लॉसेस होंगे। टू अवॉइड द रेडियस ऑफ कर्व शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल रेडियस, तो इस लॉसेस से बचने के लिए जो हमारा जो मुड़ाव है इसका जो मुड़ रही है केवल इसका एंगल क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल रेडियस होना चाहिए, रेडियस जो है कर्व जो हम करेंगे उसका ज़्यादा होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।